सो हेलो गाइज, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइनर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोज़। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए। हम वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट विथ ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट एंड ऑल ओवर इंडिया का बारे में वीडियो बनाते हैं। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। बंगाल न्यूज़ में हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट, नया नया इन्वेस्टमेंट एंड अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो और मेरा चैनल में जो लोग व्यूअर्स है, बहुत लोग हमको सब्सक्राइब नहीं करते, 60% सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। तो पहला जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है नॉर्थ बंगाल से। नॉर्थ बंगाल जो ब्यूटीफुल सिटी कोचबिहार, आप जो गए थे कोचबिहार में प्लीज़ विजिट कीजिए। ये एक रॉयल सिटी है एंड इस जगह में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक कोचबिहार गेट बोल के एक गेट का आपका इनॉग्रेट कर दिया चुका है। तो ये जो आपका कोचबिहार गेट है, ये कोचबिहार का जो ओवरऑल ब्यूटी है। अभी कोचबिहार में बहुत सारे टूरिस्ट जो लोग आपका नॉर्थ बंगाल घूमने जाते हैं वो लोग कोचबिहार को विजिट करते हैं। अभी कोचबिहार में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, कोचबिहार में कोचबिहार जो रॉयल पैलेस है, जो बर्मिंघम पैलेस का एक रेप्लिका का तरह बना हो चुका है एंड कोचबिहार में और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है। आसपास में डुअर्स का जो बिल्ड आपका फॉरेस्ट है, तो कोचबिहार एक बिग टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है और ये गेट तो उसको ब्यूटिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो रहा है कोलकाता वेस्ट बंगाल से बांतल एरिया में वेस्ट बंगाल का बैडमिंटन एकेडमी का नया जो इनॉग्रेट हो चुका है, वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन एकेडमी इन कोलकाता। तो गवर्नमेंट को नॉट ओनली बैडमिंटन एकेडमी और जो सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम में फुटबॉल का स्टेडियम उसको भी अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत आगे बढ़ना है। वो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से काम करना है क्योंकि कोलकाता में जो आपका फुटबॉल का डिमांड है, अभी कोलकाता में हम लोग डिमांड कर सकते हैं। न्यू टाउन एरिया में एक फुटबॉल स्टेडियम होगा तो सोचिए न्यू टाउन एरिया का जो डेवलपमेंट कितना जल्दी से होगा। जब ईस्ट बंगाल मोहनबागान का गेम पड़ेगा न्यू टाउन एरिया में कुछ बिग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कैसा होगा। तो वो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है और भी करना चाहिए। तो अभी कोलकाता में और एक आईटी रिवॉल्यूशन आ रहा है। कोलकाता में रिसेंट टाइम में आईटी सेक्टर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एंड बिग ऑफिस लीजिंग एवरीथिंग हो चुका है। अभी कोलकाता का जो ए रिवॉल्यूशन है, जो आईटी रिवॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं, कोलकाता आईटी रिवॉल्यूशन 2.0, उसका बारे में हम लोग जब बात करेंगे आप लोग देख सकते हैं आपका जो ऑफिस लीजिंग है उसका भी बहुत सारा ऑफिस लीजिंग का डिमांड बढ़ चुका है। उसके साथ साथ नया हायरिंग एंड कंपनीज आना भी बढ़ चुका है। तो रिसेंट टाइम में हम लोग जो बिग फोर कंसल्टिंग फर्म देख सकते हैं, एलएनटी माइंडट्री का जो कैंपस हो रहा है, रिसेंटली इंफोसिस का कैंपस ओपन होगा, आईटीसी इंफोटेक कैपजेमिनी भी बहुत सारे ऑफिसेस खोल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल कोलकाता में आईटी रिवॉल्यूशन एंड आईटी का डेवलपमेंट, आईटी का नया नया इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैंडोर टेक स्पेस। कैंडोर टेक स्पेस का बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं। न्यू टाउन एरिया में कैंडोर टेक स्पेस जिस जगह में बहुत सारे आईटी कंपनी ऑपरेट करता है, अभी कैंडोर टेक स्पेस नया टाइम में एक्सपेंशन से जा रहा है। अभी एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, कैंडोर टेक स्पेस एरिया में आपका न्यू टाउन एरिया में बहुत सारा जो आईटी सेक्टर का डिमांड अभी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए कैंडोर टेक स्पेस उसका आसपास आप लोग गीतांजलि पार्क देख सकते हैं, टीसीएस का इको स्पेस देख सकते हैं, सब जगह में आपका एक्सपेंशन का काम हो रहा है।
अभी कैनडॉक टेक्सपेक्स में क्या क्या होगा, आपका आईटीआईटीएस बिल्डिंग आपका 8-10 फ्लोर का होगा, मॉल होगा, कम्युनिकेशन सेंटर होगा, कमर्शियल ऑफिसेस होगा एंड विजिटर मैनेजमेंट होगा एवरीथिंग। एंड कैनडॉक टेक्सपेक्स में और रिफ्रेशमेंट के लिए भी बहुत सारे आपका कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। तो कैनडॉक टेक्सपेक्स का ये जो डेवलपमेंट कोलकाता न्यू टाउन एरिया में और भी आईटी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में हेल्प होगा। तो ये न्यूज़ हम मिला है एक ट्विटर हैंडल नक्षत्रों से, उधर में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कैपजेमिनी आप लोग देख सकते हैं, कैपजेमिनी वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म है, कैनडॉक टेक्सपेक्स से कोलकाता से ऑपरेट करता है। अभी कैपजेमिनी कोलकाता में कैनडॉक टेक्सपेक्स में बहुत सारे फ्लोर फिर से ले चुका है। तो कैपजेमिनी इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इन कोलकाता। तो कोलकाता का आईटी सेक्टर के लिए तो कैपजेमिनी एंड कैपजेमिनी जैसा एक कंपनी का एक्सपैंड करना ये बहुत बिग अचीवमेंट है। रिसेंट टाइम में आप लोग लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं कैपजेमिनी बहुत सारे हायरिंग्स कर रहा है। उसके साथ साथ हम और एक बात बोलना चाहते हैं, आपका जो आईटी इन्फोटेक है वो उसका ऑफिस खोलने का पहले कोलकाता में बहुत सारा हायरिंग कर रहा है, तो आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कोलकाता बुक फेयर के बारे में बात करने। कोलकाता बुक फेयर वन ऑफ द सक्सेसफुल हो गया है, 29 लाख विजिटर्स आ चुका है, 28 करोड़ का इसका जो टोटल रेवेन्यू सेल्स प्रोडक्ट हुआ है उसके साथ साथ। तो ऐसा एक सक्सेसफुल एक बुक फेयर हो जो ऑर्गेनाइज किया है वेस्ट बंगाल बॉडीज, थैंक यू फॉर दिस कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ बुक फेयर्स। अभी कोलकाता में आपका कोलकाता तो कल्चरल सिटी है, तो ऐसा बुक फेयर होना बहुत अच्छा है एंड सॉल्ट लेक एरिया का डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोलकाता मेट्रो में। कोलकाता मेट्रो में आपका हावड़ा जो स्टेशन है उसका डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मेट्रो कोलकाता हावड़ा का कुछ ऐसा पिक्चर बाहर आ रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जो हावड़ा स्टेशन जब खुलेगा तो कुछ ऐसा टाइप का वीडियोज़ आपका व्यूज़ आएगा, तो हावड़ा का आदमी लोग बहुत जल्दी कोलकाता में ट्रेवल कर सकते हैं। अभी चंदन नगर में एक म्यूज़ियम भी ओपन हो चुका है, चंदन नगर में फॉरेन टूरिस्ट के लिए ऐसा एक म्यूज़ियम जिसमें कोलकाता इंडिया का जो हिस्ट्री, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस बैटल उसका ऊपर है। और चंदन नगर वन ऑफ द हेरिटेज सिटी है जिधर में फ्रेंच कॉलोनाइजेशन का असर हम लोग देख सकते हैं। अभी जो वीडियो पिक्चर आपके साथ है ये है जो आपका इको स्पेस एरिया का जो सेकंड आपका एक्सपेंशन हो रहा है उसका वीडियो, हम लोग इसका जो ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास लेके आएंगे, आप कमेंट कीजिए आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इधर से हम जाते हैं तो हम इधर का जो ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेके आएंगे कुछ बहुत ही जल्दी इस चैनल पे। तो स्टे ट्यून टू फॉर माय चैनल्स। एंड उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो आ रहा है झाड़ग्राम, झाड़ग्राम बायोडाइवर्सिटी पार्क। अभी झाड़ग्राम एरिया को टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से और भी डेवलपमेंट होना चाहिए, पुरुलिया को भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट बढ़ेगा। तो झाड़ग्राम एरिया को बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट बोल के घोषित कर चुका है। उसके साथ साथ अभी जो मातृभूमि कोलकाता में सब अर्बन रेलवेज में मातृभूमि लोकल फॉर लेडीज स्पेशल उसको भी फर्स्ट क्लास टाइप का लुक दे चुका है इंडियन रेलवेज। तो जो लेडीज़ लोग अभी ट्रैवल करते हैं उसके लिए एक आपका बहुत अच्छा खबर है। मातृभूमि से आप लोग वर्ल्ड क्लास आपका जो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो आ रहा है क्या है, रेल प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली जो इंडिया गवर्नमेंट का बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें 13,000 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट हम लोग का वेस्ट बंगाल के लिए एलोकेट कर दी चुकी। उसके बीच में वंदे भारत ट्रेन हो सकता है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो सकता है एंड अदर कनेक्टिविटी जो आजिमगंज जो एरिया में मुर्शिदाबाद में प्रोजेक्ट हो रहा है ये सब इंक्लूडेड है। 13,000 करोड़ का टोटल बजट एलोकेट हुआ है फॉर द वेस्ट बंगाल इन द रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
एंड इसके बाद हम जो बात करेंगे न्यू टाउन के बारे में, न्यू टाउन कोलकाता का एक्सपेंडिशन और भी हो रहा है, आप लोग जानते ही है, वर्टिकल सिटी का ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, सेंक्शन हो चुका है, वर्टिकल सिटी आगे बढ़ रहा है, जो 38 फ्लोर का वर्टिकल सिटी टॉप स्काई स्क्रैपर होगा इन न्यू टाउन एरिया में। उसके बाद अभी न्यू टाउन एरिया में आपका कॉरिडोर भी हो रहा है, कोलकाता न्यू टाउन टू गेट 10 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर एंड ए वर्टिकल सिटी। वर्टिकल सिटी तो आप लोग पुराना खबर है, बट जो 10 लेन कॉरिडोर होगा वो क्या होगा, न्यू टाउन को अदर्स पार्ट ऑफ कोलकाता से बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी देगा। ये कनेक्टिविटी की वजह से कोलकाता न्यू टाउन का ट्रांसपोर्टेशन, कार कंजेशन, एवरीथिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अभी एक जगह का जो एक्सपेंशन तभी होता है जब उधर का कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग होगा। हम लोग यही चाहते हैं न्यू टाउन एरिया में आपका वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मेट्रो, मेट्रो के साथ साथ आपका मोनोरेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राम्स, ये सब हो। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज का जो डिवीजन में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिलीगुड़ी से इना आपका चलना स्टार्ट हो चुका है, तो सिलीगुड़ी एरिया में, नॉर्थ बंगाल एरिया में भी रेल कनेक्टिविटी का ऊपर बहुत काम हो रहा है। नॉर्थ बंगाल एरिया में सोलर प्लांट के ऊपर भी काम हो रहा है कुछ कुछ टी एस्टेट में, तो नॉर्थ बंगाल का भी डेवलपमेंट पेस में है। आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, नॉर्थ बंगाल के और भी एक सरप्राइज है। इसके बाद हम जाएंगे IIM कोलकाता के ऊपर, IIM कोलकाता 10 फ्लोर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, एक बिल्डिंग बनाना रहा है, तो IIM कोलकाता वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन कोलकाता एंड ऑल ऑफ द कंट्री, तो ये एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। उसके बाद ये जो कवंतार बोल के जो प्रोजेक्ट आपका स्टैंड रोड एरिया में हो रहा है फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, तो इसका सैंक्शन भी हो चुका है, तो बहुत ही जल्द कोलकाता का स्काईलाइन में ये जो बिल्डिंग हम लोग देख सकेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम देगा। उसके बाद TVS इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक पार्क इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ बंगाल, आप लोग देख सकते हैं सिलीगुड़ी एरिया में भी इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अभी ये क्या करता है, ये लॉजिस्टिक पार्क है, इधर में डिफरेंट कंपनीज का वेयर हाउसेस, वो लोग का स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग का काम करता है, तो TVS इंडस्ट्रियल्स जो है वो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट कर रहा है वेयर हाउस बिजनेस में इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट के लिए एक बिग न्यूज़ है, बिग अचीवमेंट है, तो ऐसा और भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट का बारे में तो हम लोग बात कर चुका है, तो अभी वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी वेस्ट बंगाल में काम हो रहा है। अभी पहले हुगली में था, अभी सिलीगुड़ी में भी ऐसा एक बिग इन्वेस्टमेंट वाटर ट्रीटमेंट, जो ड्रिंकिंग वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो ऐसा टाइप का वीडियो इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर एक वीडियो को अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।